माहिर कानून है महमूद सदुजई साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने डॉन न्यूज को वक्त दिया है। क्या कहेंगे 70 सफात पर मुश्तमिल मखसूस नशस्तों के हवाले से तफसीली फैसला सामने आ गया है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि मखसूस नशस्तों से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का आज 5वां इजलास भी होगा जो कि कुछ देर बाद होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस सामने आएंगी? जी महमूद सदुजई साहब, महमूद साहब ये बताइएगा, जैसे ये बात फैसला तो आ गया है कि पीटीआई एक सियासी जमात है, वाजिब ही हो गया, अमल दरामद भी लाजमी है अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो वजाहत वो जो मांग रहे थे वो भी सामने आ गई, तो क्या इलेक्शन कमीशन कोई और ऑप्शन अवेल करेगा या फिर आज का जो फैसला तफसीली फैसला 70 सफात पर मुश्तमिल है इस पर ही अमल करेगा? इसमें कानून बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन कोई दूसरी इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं सकता। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, विद इन द पैरामीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कानून क्या है? कानून ये है कि जनाब ये जो दो आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 189 सारी कोर्टों को पाबंद करता है दैट द जजमेंट डिलीवर्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन द ऑल द कोर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ द कंट्री। ये तो हुआ इनके लिए, अदालतों के लिए। अब रहा जनाब ऑर्गन जो है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके लिए सेक्शन आर्टिकल 190 है जो कहता है कि जनाब वाला एवरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट विल कम टू द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है, जो वजाहत की है, उसको मन वन तस्लीम करना चाहिए और वो जो मखसूस नशिस्तें और रिजर्व सीट्स हैं वो इनको बगैर किसी हेलो हुजर के दे देनी चाहिए, क्योंकि ये कानून की मंशा है, आईन की मंशा है और ये जो है फैक्चुअल रियलिटी भी यही है और इसमें किसी दूसरी राय को कायम नहीं किया जा सकता। और ये जो बार बार इंटरप्रिटेशन है और मांग रहे हैं उनसे अपना मांग रहे हैं, ये भी कंटेम्पचुअस एक्ट है जिसके ऊपर आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फ्लाउट करना किसी भी आर्डर को जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जमरे में आता है। इनको ये नहीं करना चाहिए एंड दे शुड ओबे टू द व्हाटएवर सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इन द जजमेंट।